इस मुर्गी का सारा लेना पड़ा कि इसके सारे सीजे निकल जाए, लेकिन ऐसे भी नहीं निकल पाया। ये देखिएगा, अभी अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही है, अभी कुछ नहीं खाने का। दोस्तों काफी जद्दोजहद के बाद 3 दिन के बाद अभी हाथ में आया है, ताकत लगानी पड़ी और काफी ताकत वाला ये सांप होता है। देखो हाथ लगा के, हाथ लगाओ, मुंह की तरफ करो, मुंह की तरफ करो, ठीक है, लो लो, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, शाबाश छोड़ दे। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला है। तेरे जुनून के आगे अंबर बना ही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पांचाली फिर से आपको सांप को बचाने के लिए खतौली की भूर कॉलोनी में, जहां पर रविंदर जी का मकान क्या बताते हैं, नाम बताते हैं, चमन लाल जी का मकान है, जहाँ से हमें कॉल आई और वहाँ पर कोई सांप देखा गया है। सांप की सूचना देने वाले श्रीमान जी राजन विश्वकर्मा जी हैं। तो चलिए देखकर आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह का सांप है। रात्रि के क्या टाइम होगा? 9 बजे। तो चलिए, वैसे ज्यादातर वो जैसे इन्होंने वीडियो भेजी तो अजगर का बच्चा वो दिखाई दे रहा है। इसमें काफी जगह है, अंदर कहीं भी जा सकता है। यहाँ से मारो इसको, ऐसे मारो, डरना नहीं है। ओ इतने जोर से नहीं तो सांप ही मार दिया, और तो एक में कर दिया काम। और ये क्या है? वो तेरी इतना मोटा चूहा, और ये तो चूहा तो सांप से बड़ा चूहा है, मर गया। ये जिंदा पाओ का लुकरा जो तेरी इतना मोटा चूहा, देखिए चूहा तो फरार हो गया, जो वहां से और कहीं भी खिसकता है। हाँ थोड़ा ये देखो, और जगह तो नहीं है पीछे जाने की कहीं है? तो बहुत मजे में बैठा ये, बहुत मजे में बैठा, और हो सकता है ये कई बार यहीं से आ रहा है जा रहा है। भाई कौन है उसका? बहुत अच्छा स्थान बना रखा है इसने बैठने के लिए, बहुत बढ़िया। ये देख लो कोई पास ना हो जाओ उधर से। ओ तेरी, ओ मुंह मार कर ना बिच्छू, कर ले हाथ भाई, हटिए जरा मेरे। ओ चूहा को बैठ, क्या करना वही काम हो गया।
एक बार शटर खोल के दिखा दो मुझे। दोस्तों यहाँ हमें पूरी रात हो गई, एक अजगर का बच्चा है इसके अंदर घुसा हुआ है और वो काफी जद्दोजहद के बाद निकल नहीं पा रहा, कोशिश कर ली बहुत ज्यादा। और अब लास्ट क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि मुर्गी का जो मुर्गी है जो रखी है यहाँ पर, और अभी इंतजार करते हैं कि मुर्गी को देखकर वो शायद जब खाने के लिए अगर बाहर निकले, क्योंकि दो दीवार के बीच में ये जगह जो है ये बहुत सरकरी है, इसमें हम निकाल नहीं पाए सकते। तो ये एक इस्तेमाल किया हमने एक नियम, देखते हैं वो निकलता है क्या होता है। क्या थोड़ी देर बाद आफ्टर द ब्रेक मिलते हैं। भैया दिमाग यूज कराओ, ऊपर लग पड़ेगा भी हो। वे भैया नु कह रहे थे ना सुनार को कहां से ले आए। अरे तो कोशिश कर रही थी। अरे हां नु छोटा जी वो दे रही है। चल सारी इलाज है अपने दिख रही है। चल बहुत बढ़ेगा वो आगे हेड वाले अपनी तरफ से भी लग रहे सहाय हो। पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया। जैसे पकड़ लिया। दोस्तों काफी जद्दोजहद के बाद 3 दिन के बाद अभी हाथ में आया है और ये काफ़ी जोर लगाता है बैक साइड में, और हो सके यहाँ फंस गया हो, तो फंसने की वजह से ये निकल भी नहीं रहा। तो कोशिश करते हैं इसकी कि हम इसको यहाँ से सुरक्षित निकाल सकें। क्योंकि एकदम से इसको हम ज़्यादा नहीं खींच सकते, नहीं फिर टूट सकता है। इसे अपनी जान बचानी भारी हो रही। देखो कर दी, तो दोस्तों ये है इंडियन रॉक पाइथन, जिसको अजगर भी बोलते हैं। अभी 3 दिन के बाद आज हम इसे रेस्क्यू कर पाए हैं, और उसे खींचने मुझे सांस चढ़ गया क्योंकि मुझे काफ़ी ताकत लगानी पड़ी, और काफ़ी ताकत वाला ये सांप होता है, और हमें बहुत सारे तरीके से इसको खींचना पड़ता है, कहीं ऐसा हो कि ये बीच में टूट जाए। ये काठा का पीछे हो जाओ। इस मुर्गी का सहारा लेना पड़ा कि इसके सारे सिरे निकल जाए, लेकिन ऐसे भी नहीं निकल पाया। ये देखिएगा, अभी से अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही है, अभी कुछ नहीं खाने का, अब से अपनी जान बचानी है बस। कि पूरी रात लग गई इसके चक्कर में, ये बेचारे ये भी सो नहीं पाए। साइकिल चलाने के लिए तैयार, और अभी ये साइकिल चलाने के चक्कर में है। रियल में ये देखेगा, ये घात लगाकर हमला करता है अपने किसी भी जीव को, 5 गुना बड़े अपने से 5 गुना बड़े किसी भी जीव को ये साबुत निकल सकता है। जैसे इसकी लंबाई है ये समझेगा, इसके अकॉर्डिंग कम से कम भी 12 से 15 किलो वजन का कोई भी बच्चा ये उसको निगल सकता है, और ये लैटरिंग कर देता है डर की वजह से।
जब भी इसको डर लगता है देखो पेशाब कर दिया और बहुत गंदी स्मेल छोड़ते हैं। अभी ये बहन जी पकड़ के देखेंगे। देखो हाथ लगा के अब काट लेता जो इसने मोबाइल का दांत लग गया मेरे पास। तो ध्यान रखिएगा कहीं भी कभी भी कोई सांप अगर आपको दिखाई दे आप बिल्कुल छेड़छाड़ी ना करें, आप हमें कॉल करें, आपको और सांप को दोनों को बचाएंगे। बाय चांस कोई सांप अगर आपको काट ले तो आप झाड़ फूक तंत्र मंत्र किसी चीज के चक्कर में ना पड़े, ये सब अंधविश्वास होता है। सांप के काटते ही आप तुरंत मुझे कॉल करें या फिर तुरंत हॉस्पिटल जाने की तैयारी करें। केवल एकमात्र सांप के काटने का इलाज जो होता है वो एंटी वेनम होता है। सकता है तुम्हारे मत्थे पे डक मारा का ये लो, किसको चाहिए? चेतन को, चेतन को, चेतन को ऊपर लो जी लो। पकड़ो नहीं ले रहे जाल तोड़ का पकड़ा था ये वहाँ, इसलिए जाकर हमें इतना टाइम इसलिए लगा कि एक भीड़ी जगह थी तो नहीं पकड़ पाए और ये वहाँ जाकर भीग चुका था। पूरा लंबा दिखा है जिसके कारण ये नहीं आ पाया। ये कम से कम भी 4-5 फुट के आसपास का होगा। चेहरा दिखाओ इसका, चेहरा क्या और फोटो खींचो। ये क्या दिख रहा है? ये चेहरा देखो, चेहरा दिखे जगह मारा बिगड़ गया। ठीक है लो लाओ इसे निवाने का प्रबंध करो भाई। ये नवा भाई था, चलिए वो लाओ तरफ से लो। टैटू लेगा इसे धोना है। आओ बने हो, अरे पानी दे दे एक बाल्टी भर के। मेरा वाला, मेरा कैमरा वाला मैन कहां गया? अरे कट लिया, ओ कट लिया। और अरे बाल्टी यहां मारा बड़ा, यहां मारा बड़ा। अब होश आ गई होगी ना, नहीं दिखाई देगा आम बच की जान। 7888 देखो भाई देखो, अभी ये कैमरामैन को काटेगा, ये देखेगा काम चला था। बढ़िया भोजन इसको मिल रहा था, काफी चूहे यहाँ थे और ये दोनों दोस्त थे आपस में ही लेटते थे। ये प्रोडक्टर था इसका, अभी फिर हमला करेगा देखिए, ये करेगा करेगा अभी देखिएगा। और तब ये जीव को सब सारे निकलता है सीधे, जैसा अभी करा था ना पीछे था इसको। चलो तो मैं बोला था एक बार थैंक यू आवाज ले ले दीवारी। और ध्यान रखें आप हमारी वीडियो देखकर बिल्कुल भी नकल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमें काफी समय से अनुभव है, पुराना अनुभव है, बहुत सारे सांप रेस्क्यू कर चुके हैं। बिना जानकारी के अगर आप सांप पकड़ें तो आपके साथ हादसा हो सकता है। एक कट्टा लेकर आओ, हमला करेगा। तो चलिए पैक करते हैं इसको और ले चलते हैं इसको इसके जंगल में रिलीज करने के लिए। देखिएगा अभी काट रहा था। तू पकड़, बहुत सारा तू पकड़ ला रहा है, चाट अभी बिकवा हुआ इसके दांत बहुत पन्ने होते हैं और 150-200 करीब से दांत होते हैं और बेहद पन्ने होते हैं। देखो इसके दांत दिखाओ, बहुत ज्यादा दांत होते हैं इसके। चल इसमें चल चल चल, चल।